नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल के सेशन में आपको एक्शन में रहते हुए दिखेंगे बिकॉज ऑफ देयर न्यूज। यहां पे कुछ खबरें आई हैं जिन खबरों के दम पर आपको इन स्टॉक्स को फोकस करना है। सबसे पहले आपको बता दूं एक पूरा सेक्टर है ऑटो सेक्टर, दूसरा आपके लिए स्टॉक्स हैं बचे हुए दो जुआ। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पूरे ऑटो सेक्टर के बारे में ही आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। देखिए अभी जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है, जब भी पूरा महीना खत्म होता है तो उस महीने का डाटा आना होता है, चाहे वो कोई भी डाटा हो। मान के चलिए आप इन्फ्लेशन का डाटा मान सकते हैं, आप ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन यहां मैं ऑटो की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है ऑटो से रिलेटेड बात करनी चाहिए। तो ऑटो सेल्स नंबर आए हैं, हर एक कंपनी, जितनी भी कंपनियां आए हैं बाजार में, चाहे वो M&M हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो मारुति हो, कोई भी गाड़ी जो कि भारत की है, भारत की कंपनी है, वो अपने सेल्स के नंबर्स बताते हैं कि भैया जून मंथ में हमने इतनी गाड़ियां बेची हैं। मैं वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि गाड़ियां कितनी बिकी हैं, कौन सी कंपनी की, प्लस मार्केट का क्या अनुमान था और उससे प्रीवियस मंथ यानी कि मई मंथ में कितनी बिकी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ बात करूंगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में और लास्टली वेदांता के बारे में शॉर्ट में। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑटो सेक्टर से ही। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में बात करना चाहूंगा, जहां पे कल के सेशन में इनका डाटा आया था। तो जून की टोटल सेल्स अगर आप देखोगे तो 80,383 यूनिट्स आई हैं, बाजार का अनुमान 78,070 यूनिट्स का था, तो अनुमान से 2000 यूनिट ऑलमोस्ट ज्यादा आएंगे, तो अच्छे नंबर माने जाएंगे। और अगर आप मंथ ऑन मंथ कंपेयर करेंगे तो मई मंथ में 75,000 राउंड फिगर में देखें तो यूनिट्स की सेल्स थी, तो उसके सामने अच्छी ग्रोथ है। आयशर मोटर की बात करें तो जून में टोटल सेल जो इनकी आई है वो 77,109 यूनिट्स की आते हुए दिखी है, एंड अगर बाजार के अनुमान की बात करें तो 77,010 यूनिट्स का था, तो उसके सामने ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स ज्यादा ही आया है, तो ये भी ठीक है। मंथ ऑन मंथ देखोगे तो ये गिर गया है थोड़ा सा, मई मंथ में 77,461 यूनिट्स की सेल थी, जिसके सामने जून में हल्की सी डिप करते हुए दिखी आपको 400-300 समथिंग यूनिट्स की, तो ये आयशर मोटर है। बाकी अनुमान से दोनों ही अच्छे आए हैं। अतुल ऑटो के बारे में भी बताना चाहूंगा आपको, टोटल सेल्स इनकी जो आते हुए दिखी है मंथ ऑन मंथ देखो तो 1101 यूनिट से बढ़कर 1267 यूनिट पे आई है, तो अच्छा नंबर माना जाएगा ये भी। वहीं बात करें मारुति सुजुकी की तो 1,59,418 यूनिट्स पे आई है, बाजार का अनुमान 1,68,080 यूनिट्स का था, तो अनुमान से काफी कम आया है ये मंथ ऑन मंथ। एंड अगर आप देखें तो मार्केट का जो अनुमान से तो कम आया ही आया है ऑलमोस्ट 9,000, एंड अगर मंथ ऑन मंथ देखो तो काफी बड़ा डिप है, 1,78,083 यूनिट के सामने केवल 1,60,000 यूनिट आम कंपनी करते हुए देखिए मंथ ऑन मंथ, बाजार के अनुमान से भी कम है और मंथ ऑन मंथ भी कम है, तो मारुति के नंबर अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ये क्लियरली दर्शा रहा है यहाँ पे डाटा। तो ये स्टॉक्स थे जो आपको रडार पे रखने हैं कल के सेशन में, जिनके नंबर्स आ चुके हैं सेल्स, बाकी कल आपके लिए स्कॉट्स वगैरह के भी नंबर आते हुए दिख सकते हैं या आ गए हैं तो मेरी लिस्ट में भी शो नहीं हो रहे हैं। तो ये तो हो गई आपके लिए ऑटो सेक्टर के इन स्टॉक्स के ऊपर बात, बाकी सारे के सारे ऑटो सेक्टर जितने भी शेयर्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, सब अपने नंबर्स पेश करेंगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ठीक है जी। आगे बढ़े अगर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में बात करें तो देखिए भाई यहाँ पे 2700 करोड़ का कुछ कहीं ना कहीं हेरफेर होता हुआ दिखा है, 10,000 अकाउंट्स के नंबर भी सामने आए, यानी कि 10,000 टोटल अकाउंट होल्डर हैं जिनके अमाउंट को कैलकुलेट करा जाए तो 2700 करोड़ का होता है, जो कि प्रॉब्लम में आते हुए दिख सकती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वॉयलेशंस उठाए हैं इस बैंक के ऊपर, तो ये स्टॉक कल नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है, एक शार्प करेक्शन भी दिखा सकता है। मैं आपके साथ कह रहा था स्कॉट्स, तो उसका भी डाटा है एक्चुअली मेरे पास, जून की टोटल सेल्स जो है कंपनी की वो 9,850 यूनिट्स की आई है, 9,167 यूनिट्स मंथ ऑन मंथ के मुकाबले, तो बढ़िया नंबर दिख रहा है इसका भी, अनुमान नहीं है लेकिन नंबर सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपके लिए वेदांता, लगभग 30 लाख की पेनल्टी लगाई है सेबी ने डिस्क्लोजर फॉर्म्स के चलते कि डिस्क्लोजर आपने जो दिया है मीडिया में वो गलत दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि 30 लाख वेदांता के लिए बहुत छोटा रकम होता है मेरे हिसाब से। तो ये पूरी की पूरी वीडियो जहां पे आपको कल के सेशन में एक्शन देखने को मिल सकता है, होप आपको वीडियो समझो पसंद दोनों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।